हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर। जैसा मैंने आपको सिलेबस में कहा था कि इंडियन पॉलिटी का कौन सा टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा जेकेपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आज फर्स्ट जो लेक्चर है वो लेके आ गया हूँ। आप अपने अपने पेन कॉपी लेके तैयारी से बैठ जाए। आप यकीन करें, इंडियन पॉलिटी इस एग्ज़ाम के लिए हम बड़े अच्छे से तैयार करेंगे। बस आप नोट्स जो हैं वो लेक्चर के साथ साथ पेन डाउन करते रहें, और जो चीज़ हाइलाइटेड है उसे मैं एकदम अच्छे से आपको बताऊंगा, और साथ में ये भी बताता रहूंगा कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर इंडियन पॉलिटी का। देखिए, इंडियन पॉलिटी में सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है आप सब जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मीन संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मीन आइन। ये एक ऐसा गाइड रहता है जिस गाइड के गाइडलाइंस में रह के जो भी देश की सरकारें हैं वो वहाँ के नए कानून बनाते हैं और उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। ऐसे ही इंडिया का भी एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडलाइंस के तहत इंडियन गवर्नमेंट न्यू रूल्स बनाती है, नए कानून बनाती है और उन्हें देश में इम्प्लीमेंट करती है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप सब जानते हैं कि इंडिया जो है वो एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की। अंग्रेज़ों ने हम पे 200 साल तक राज किया, बट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो वो कहीं ना कहीं वही ब्रिटिशर्स का जो टाइम था, जो 200 साल के हमारे गुलामी का टाइम था, उसी टाइम के जो एक्ट्स थे, जो ब्रिटिशर्स ने एक्ट लाए थे अपने इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, देन उनका क्राउन रूल जो उसको रेगुलेट करने के लिए उन्हें जो एक्ट्स लाए, उन्हीं एक्ट्स में से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ना कुछ बैकग्राउंड जुड़ा हुआ है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे कहाँ कौन से एक्ट से हमने क्या क्या चीज़ें बोरो की हैं। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कहता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया टू इंश्योर कॉलोनियल गवर्नेंस। ठीक है, जो मैंने अभी बात कही आपको कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, वो अपना गवर्नेंस यहाँ पे अपने गवर्नमेंट या अपना रूल चलाने के लिए टाइम टू टाइम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाती रही, ताकि इंडियंस को खुश किया जाए कि हम आपकी भलाई के लिए ये नए कानून ला रहे हैं। तो वो टाइम टू टाइम डिफरेंट रिफॉर्म्स लाती रही, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाती रही। देखिए, अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाएं, तो ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया में रूल किया था उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ब्रिटिश का जो रूल है इंडिया में उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट रहेगा हमारा कंपनी रूल, ठीक है बच्चे, कंपनी रूल, और दूसरा रहेगा क्राउन रूल। देखिए, इसे समझने की कोशिश करिए। कंपनी रूल क्या था? कंपनी रूल्स मींस 1600 से लेके 1858 तक का जो रूल था उसे कहा गया कंपनी रूल, और 1858 से लेके 1947 तक का जो ब्रिटिशर्स का हिंदुस्तान पे राज रहा उसे कहा गया क्राउन रूल। देखिए, कंपनी रूल क्यों कहा गया और क्राउन रूल क्यों कहा गया? शुरू में जब 1600 में ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई थी तो सिंपल एक कंपनी थी जिसके पास लाइसेंस था कि वो इंडिया में जाके ट्रेड कर सकती है। बट जैसे जैसे टाइम बीता गया और 1664 आते आते 1664 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल होती है जिसका नाम था बैटल ऑफ बक्सर, या आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर। देखिए, बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स इंडिया के तीन उस टाइम के वहाँ के राजा जो थे बंगाल के, इलाहाबाद के, इनको हरा के अपनी पावर उन्होंने दिखा दी थी कि ब्रिटिश की ये जो कंपनी, एक सिंपल एक कंपनी थी, ये कितनी पावरफुल हो गई। और 1664 में इसके बाद इन्हें दीवानी राइट्स मिल गए थे, दीवानी राइट्स। ठीक है, अब ये कंपनी एक कंपनी नहीं रही थी बल्कि ये अब इंडिया में अपना टैक्स भी कलेक्ट कर रही थी। दीवानी राइट्स मिल गए थे इसको 1664 के बाद।
देखिए अब ये कंपनी इतनी स्ट्रांग होती जा रही थी कि ये इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स में अपना पावर से ये अपनी जगहें जो थी वो कैप्चर कर रही थी, राजाओं को हरा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता ये एक पावरफुल कंपनी बन रही थी। और 1858 आते आते क्या होता है कि 1858 में रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो था वो होता है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 मंगल पांडे की वजह से। किसकी वजह से होता है? मंगल पांडे। आप ये पूरी क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं? देखिए 1858 में क्या, 57 में होता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 मंगल पांडे की वजह से, जो ब्रिटिशर्स को एक बहुत बड़ा धक्का लगता है कि इंडियंस अब क्या है वो आवाज़ उठाना शुरू कर गए हैं। देन उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को लगता है कि अब ये कंपनी जो है इसे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा और अब इंडिया में ब्रिटिश रूल अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है क्राउन रूल। अभी तक ये आप पूरे क्रोनोलॉजी समझ आई आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे बैकग्राउंड कैसे तैयार हो रहा है? ठीक है, पहले कंपनी रूल था 1600 से 1858 तक। ठीक है, 1858 तक कंपनी रूल है। देन 1857 में क्या होता है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है और उसके बाद क्या कर देती है कंपनी जो है वो पावर्स को टेक ओवर कर देती है, सॉरी क्राउन जो है, ब्रिटिश क्राउन जो है वो पावर्स टेक ओवर कर देता है कंपनी से। और अब जो है इंडिया में सरकार जो है, सरकार क्या कहेंगे उसे, जो रूल है इंडिया में, अब रूल कौन कर रहा था? डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन जो है वो रूल कर रहा था। ठीक है, इतना समझ आया? देखिए उसके बाद क्या है कि जो इंडिया में एक्ट्स जो थे, ब्रिटिशर्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स टाइम टू टाइम ला रहे थे, वो जो रिफॉर्म्स थे उन्हें हम चार टाइप के एक्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, वो किस टाइप के थे? शुरू में क्या कर रहे थे? शुरू में उन्होंने क्या किया, इन्हें रेगुलेटिंग एक्ट लाए, रेगुलेटिंग एक्ट्स। ठीक है, ये आप समझिएगा, शुरू में क्या किया था? रेगुलेटिंग एक्ट, जैसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इस टाइम पे ब्रिटिशर क्या कह रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, कंपनी को रेगुलेट कर रहे हैं, उसे हम रेगुलेट कर रहे हैं कि आपको क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो एक पहले एक्ट लेके आए 1773 का, देन ये एक और एक्ट लेके आए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो ये दो जो एक्ट थे वो थे रेगुलेटिंग एक्ट। देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक दूसरे टाइप के एक्ट लाए, दैट इज चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। अब क्या किया, चार्टर एक्ट भी, दो चार्टर एक्ट लाए उन्होंने 1833 में और 1839। ठीक, दो चार्टर एक्ट लाए। देन चार्टर एक्ट के बाद ये इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, और लास्ट जो टाइप थी दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, हम हिस्ट्री में भी देखेंगे कि कैसे एक्ट्स भी कैसे कैसे वो इनकी हायरार्की बनती जा रही है। रेगुलेटिंग एक्ट में उन्होंने कहा कि हम सिर्फ कंपनी को थोड़ा रेगुलेट करेंगे, देन चार्टर एक्ट में ज़्यादा कंट्रोल करने लगे, उसके बाद फिर इंडियन काउंसिल एक्ट में हम इंडिया की काउंसिल में थोड़े से चेंजेस करेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में कुछ डिफरेंट उन्होंने चेंजेस किए, देन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में कुछ और चेंजेस किए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ये चेंजेस करते गए, जैसे जैसे इंडियंस की डिमांड बढ़ती गई ये थोड़ा थोड़ा उनको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ कुछ थोड़े थोड़े कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करते रहे। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फाइनली एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहा गया, उस टाइम तक इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो डिमांड्स थी इंडिया की, इंडियंस की, मान ली हुई थी। ऐसे जो था ये इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का एक बैकग्राउंड सेट होता है। देन इंडियाज पॉलिटिकल एवोल्यूशन टुवर्ड्स बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन रिपब्लिक हैज इट्स रूट्स इन ब्रिटिश रूल। तो ये अभी हमने देखा कि इंडिया जो एक इंडिपेंडेंट और एक सॉवरेन रिपब्लिक जो बना, उसकी जो रूट्स हैं वो कहाँ पे, वो ब्रिटिश रूल में, जो अभी मैंने पूरा डिस्कस किया कैसे रेगुलेटिंग एक्ट, देन चार्टर एक्ट, देन इंडियन काउंसिल एक्ट, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये पूरे जो एक्ट्स जो हमने देखा इनमें क्या था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा एक फाउंडेशन तैयार हो रही थी, एक बेस बनता जा रहा था। देन अंडरस्टैंडिंग सर्टन फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप कैसे ग्रो किया, उसे जब अगर हम पढ़ेंगे तो
देन अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो हमें क्लियरली दिखेगा कि इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्रिटिश रूल के एरा से ही बना हुआ है। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। चलिए, ब्रिटिश रेगुलेशन ऑफ इंडियन अफेयर्स। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स कैसे इंडियन अफेयर्स को रेगुलेट कर रहे थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कब इंडिया में आई थी? 1600 में और 1858 तक। मैंने अभी कहा ना, 1600 से लेके 1858 तक का जो टाइम था इसे कहा गया कंपनी रूल। कंपनी रूल, इतना टाइम जो था उसे क्या नाम दिया गया था? कंपनी रूल। ब्रिटिशर्स इंडिया कब आए? 1600 में आए। वो एज अ ट्रेडर्स इंडिया में आए थे, बट उसके बाद क्या किया उन्होंने, वो एक पावरफुल कंपनी बन गई थी जो कंट्रोल करने लगी थी इंडियन किंगडम्स को। देन 1765, मैंने अभी आपको कहा था 1765 1765 में क्या होता है कि दे गेन दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब क्या हो रहा था, मैंने अभी आपको कहा था कि 1764 में क्या होता था, बैटल ऑफ बक्सर होती है, और उसके बाद क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो था इन्हें दीवानी राइट्स मिल जाते हैं ब्रिटिशर्स को, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764 में, और ये बैटल जो थी एक बहुत बड़ा टर्न ओवर साबित हुई, जिसके बाद क्या था, ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स मिल गए थे बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के। अब देखिए, दीवानी राइट्स मीन्स ये टैक्स कलेक्ट कर रहे थे बिहार से, बंगाल से और उड़ीसा से। ये उस टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट एरिया थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, और यही तीन मेन जो मेन एरिया थे, यहाँ का जो टैक्स था वो कलेक्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स। तो इससे पता लगता है कि ब्रिटिशर्स अब क्या थे, वो काफ़ी पावरफुल हो गई थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांजिशन फ्रॉम कमर्शियल कॉरपोरेशन टू अ गवर्निंग बॉडी। अब ये इतनी पावरफुल हो गई थी, इतना टैक्स कलेक्ट कर रही थी, तो अब ये सिंपली एक कमर्शियल बॉडी नहीं रही थी, बल्कि ये अब एक गवर्निंग बॉडी भी रह गई थी, क्योंकि अब इसके पास पैसा आ गया था, पावर ज़्यादा थी, तो इसलिए अब इसने क्या कर दिया था, गवर्न करना स्टार्ट कर दिया था इंडियन स्टेट्स को। अब देखिए, ब्रिटिश रेगुलेशन ऑफ इंडियन अफेयर्स, ब्रिटिशर्स को क्यों जरूरत पड़ गई थी इंडिया के जो इंटरनल मैटर्स थे उसमें उसको रेगुलेट करने की। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिंपल एक कंपनी नहीं रही थी, ये एक पावरफुल बॉडी बन गई थी, और इसने इंडिया की काफ़ी सारे स्टेट्स को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था, वहाँ से टैक्स वगैरह लेना स्टार्ट कर दिया था। अब जब ये कंपनी इतनी स्ट्रांग कंपनी बन गई थी, इतनी पावरफुल हो गई थी, तो ब्रिटेन में भी आवाज़ उठना स्टार्ट हो गई थी कि इंडिया में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही क्यों मोनोपोली मिली है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ट्रेड की मोनोपोली क्यों मिली है, बाकी कंपनी जो थी वो भी डिमांड कर रही थी कि हमें भी इंडिया जाके ट्रेड करने दिया जाए, क्योंकि इंडिया में बहुत प्रॉफिट कमा रही थी ये कंपनी, इसलिए बाकी वाली कंपनी जो थी उस टाइम की, जो बाकी इंडस्ट्रीज थे वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर बना रहे थे कि हमें भी इंडिया जाके ट्रेड करना दिया जाए। तो इसी की वजह से और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स जो थे, और ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी लग रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में इतनी पावर में है, इतना पैसा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो हमें भी इसमें जाके इंटरफेयर करना चाहिए। तो अब क्या हो रहा था कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो था, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होने लग गया था अब इंडियन अफेयर्स को रेगुलेट करने में। ठीक है, तो ये इन्वॉल्वमेंट कैसे शो करेगा पार्लियामेंट? पार्लियामेंट क्या करने लग गया, अब कुछ कानून बनाने लग गया इंडियन टेरिटरी के लिए, जो इंडिया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही थी वहाँ के लिए। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में कुछ कानून बनने लग गए थे, कुछ लॉज बनने लग गए, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 फर्स्ट जो स्टेप था इंडियन, जो इंडिया में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कंट्रोल करने का, उसको रेगुलेट करने का फर्स्ट स्टेप जो लिया गया था वो लिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन कि फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कब उसे रेगुलेट करना स्टार्ट किया था? तो वो स्टार्ट किया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। तो इससे ज़्यादा डीप क्वेश्चन आपका जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए तो नहीं बनता है। हाँ,
10th लेवल से ऊपर का एग्ज़ाम हो तो उसमें और कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। जैसे उस टाइम पे उन्होंने एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यहाँ पे जो अपॉइंट किया था, साथ में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में सेटअप किया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, बट ये आपके कांस्टेबल के लिए नहीं बनता। कांस्टेबल के लिए आपका इतना ही इसी लेवल तक का क्वेश्चन आएगा। देन इन्होंने 1813 में चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत ट्रेड मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो ख़त्म कर दी, और बाकी जो थे कंपनीज उन्हें भी इंडिया आने के लिए अलाउ किया। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो इम्पॉर्टेंट था, जहाँ इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था। क्राउन रूल मीन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट अब डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा था। तो 1858 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था कंट्रोल उसे ख़त्म कर दिया गया, और पावर जो थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई डायरेक्टली किसको, ब्रिटिश क्राउन को। तो जो जो इम्पॉर्टेंट एक्ट्स हैं उनमें जो इम्पॉर्टेंट जो यहाँ से मुझे लग रहा था कि कोई क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, तो वो मैंने सारा हाईलाइट करके रखा है। जैसे 1858 के एक्ट से आपके लिए एक ही क्वेश्चन बन सकता है, वो यही था कि कौन से एक्ट के तहत जो कंपनी से पावर्स ट्रांसफ़र करके ब्रिटिश क्राउन को दी गई थी, तो ये आप याद रखेंगे 1858 का एक्ट। देन ट्रेड मोनोपोली कौन से एक्ट में ख़त्म की गई थी, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो ये आपका हिस्ट्री का भी, पहले लेक्चर में आपका हिस्ट्री का भी सिलेबस कवर हो रहा है, तो इसको आप ज़्यादा अच्छे से देखें क्योंकि ये दोनों में काम आ रहा है आपके, हिस्ट्री में भी और पॉलिटी में भी। चलिए अब हम प्योरली पॉलिटिक्स पे आ गए हैं। अभी तक क्या था, थोड़ा सा हिस्ट्री मिक्सअप था। तो आपने देखा कि कैसे एक प्लेटफॉर्म कैसे बन रहा था, बैकग्राउंड क्या था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। पहले कंपनी रूल था, फिर ब्रिटिश क्राउन रूल आया, उसके बीच में काफ़ी सारे एक्ट्स आए, ठीक है, और उन एक्ट से ही हमने कुछ चीज़ें उठा के अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कैसे बनाया गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो हमने देखा कि क्या फाउंडेशन रही, आइडिया कहाँ से आ रहा था, कैसे हमें उसके लिए बुनियाद कैसे बनी, वो तो हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखा। बट कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कैसे गया था, उसमें कौन कौन लोग इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए, किसने इसका आइडिया दिया, देन किसने इसको मूव किया, किसने इसकी डिमांड रखी ब्रिटिशर्स के सामने कि हमने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, आप ब्रिटिशर्स अपने अकॉर्डिंगली एक्ट्स लेके आ रहे हो अपने फायदे के लिए, वैसा नहीं चलेगा, हमें, हम यहाँ पे रहते हैं तो हमारी मर्जी का हमें एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान दिया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले डिमांड रखी थी महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने 1922 में डिमांड की थी कि इंडियाज पॉलिटिकल फ्यूचर बी डिटरमाइंड बाय इंडियंस देमसेल्फ। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारा इंडियंस का पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो जो है वो इंडियंस को ही अलाउ किया जाए, वो इंडियंस खुद डिसाइड करेंगे हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा, मीन्स कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का होगा, हमने अरे यहाँ पे कौन से रूल्स होंगे, ये इंडियंस को ही डिसाइड करने दिया जाए, ना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटेन में बैठ के डिसाइड करेगा कि इंडियंस को किस तरीके के कानून से गवर्न किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डिमांड किसने की थी, डिमांड किसने की थी, तो डिमांड की थी महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले किसने डिमांड की थी सेल्फ गवर्नेंस की, ठीक है, इंडियंस के लिए इंडियन ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ये किसने कहा था, ये महात्मा गांधी ने कहा था 1922 में, ठीक है बच्चे। देन दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है वो था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसका आइडिया किसने दिया था, किसने प्रोपोगेट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया। तो ये थे हमारे एक कम्युनिस्ट लीडर थे जिनका नाम था M.N. Roy। M.N. Roy 1934 में एक आइडिया देते हैं कि इंडिया यहाँ पे क्या किया जाए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। आप समझ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन्स कि यहाँ पे इलेक्शन करके या कुछ लोगों को एक
जैसे पार्लियामेंट में आज हमारे कुछ लोग चुने हुए लोग जाते हैं और वो क्या करते हैं वहाँ पे हमारे लिए कानून बनाते हैं, एमपीज जो होते हैं। इन्होंने कहा ऐसे ही हमारी एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाए जिसमें कुछ चुने हुए लोग होंगे और उनका काम होगा हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो ये 1934 में एमन राय ने फर्स्ट टाइम ये आइडिया दिया था। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन रहा है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया किसने प्रपोज किया था। तो आपको याद रखना है एम एन रॉय, और एम एन रॉय ने आइडिया कब दिया था, 1934 में। ठीक है, ये देखते चलिए आप आगे कैसे ये एक पूरा चेन बनता जाएगा, स्टेप वाइज कैसे इस ये मूवमेंट चला है कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए, अब ये डिमांड तो रख दी थी, बट क्या ये डिमांड एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई। तो शुरू में 1934 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया दिया गया, देन 1935 में इंडियंस ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने ये डिमांड रख दी थी कि हमें हमारा अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाए और वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारे लिए अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेगी। बट ब्रिटिशर्स ये डिमांड एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडियंस एक असेंबली हो जो खुद अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ऐसा ब्रिटिशर्स एक्सेप्ट करने के लिए हरगिज तैयार नहीं थे। बट फिर क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, वो होता है वर्ल्ड वार टू। 1939 में दूसरी वर्ल्ड वार स्टार्ट होती है और वर्ल्ड वार टू में ब्रिटिश के ऊपर अमेरिकन्स का इतना प्रेशर था कि हमें इंडियंस को आप वर्ल्ड वार में लाएं, बट इंडियंस क्या कर रहे थे, वो वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करने से मना कर रहे थे। अब ब्रिटिशर्स किसी ना किसी तरीके से इंडियंस को मोटिवेट कर रहे थे कि आप वर्ल्ड वार में पार्ट प्ले करें, आप हिस्सा लें और हम आपकी कुछ डिमांड्स को एक्सेप्ट करेंगे। तो उसी दौरान ब्रिटिशर्स एक ऑफर लेके आई, उसका नाम रखा गया अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर ऑफ 1940। इस टाइम पे ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज जो थे, वो इंडियंस को एक ऑफर दे रहे थे कि हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड को मान लेंगे, हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड को मान लेंगे, बट आपको क्या करना होगा इसके बदले में, हमारा साथ देना होगा वर्ल्ड वार में। समझे आप? तो 1940 में अगस्त ऑफर में, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड फर्स्ट टाइम कब एक्नॉलेज की थी, कब मानी थी। तो वो मानी थी उन्हें अगस्त ऑफर 1940 में, अगस्त ऑफर 1940 में। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, ये भी आपको याद रखना है। देन नवंबर 1946 में क्या होता है, एक और मिशन आता है इंडिया में, उसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, 1946 में, 6 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का होता है, वो एक मिशन आता है इंडिया में जिसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। और उस प्लान के तहत इंडिया में क्या किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो सेटअप की जाएगी। ठीक है, ये प्लान ने क्या कहा 1946 में कि इंडिया में अब अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप की जाएगी जिसका काम होगा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना। ठीक है, देन अब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई थी और इसकी फर्स्ट मीटिंग जो है वो होती है 9 दिसंबर 1946 में। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई, बट इसकी फर्स्ट मीटिंग कब होती है, वो मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में, उसके बाद लगभग 1 साल के बाद असेंबली की फर्स्ट मीटिंग होती है। देखिए, फर्स्ट मीटिंग में अब ये मीटिंग हो रही है तो इसमें कोई ना कोई इसको लीड करेगा। तो इस मीटिंग में प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा ये एक इंटरम प्रेसिडेंट बने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि इंटरम प्रेसिडेंट फर्स्ट मीटिंग में कौन थे, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। देन उसके बाद नेक्स्ट होता है 11th ऑफ दिसंबर को, 11th ऑफ दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्हें परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है इसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। आप देख रहे हैं कैसे हायरार्की बन रही। 9 दिसंबर को क्या होता है, सच्चिदानंद सिन्हा को इंटरम प्रेसिडेंट बनाया गया, बट
उसी के 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। ठीक, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसका पर्पस क्या था, क्यों बनाई गई थी, चलो रिवाइज कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पर्पस था कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना है। क्यों बनाई गई थी, शुरू में जब गांधी जी ने डिमांड रखी थी कि इंडियंस अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए इनको इंडियंस को अलाउ किया जाए, इंडियंस का हक है कि वो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करें। देन एमन राय ने आइडिया दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट अपने लिए तैयार करे। देन 1935 में नेहरू जी इसे एक्सेप्ट करते हैं इस डिमांड को, और वो ब्रिटिशर्स के सामने डिमांड रखते हैं। देन 1940 में अगस्त आफर में फर्स्ट टाइम ये ब्रिटिशर्स ने माना कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देंगे जो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी। देन 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे बात करता है कि आपको ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दी जाएगी, बट वो डिमांड भी एक्सेप्ट नहीं होती। फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है जो बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के डायरेक्टली सीधा बोल देता है कि ठीक है आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दी जाएगी जिसका काम होगा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना। ठीक है, देन 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग होती है जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा इंटरम प्रेसिडेंट घोषित किए जाते हैं, और उसके बाद 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया जाता है, ड्राफ्ट कर दिया जाता है हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा, ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? यस आंसर करें, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बी आर अंबेडकर। ठीक है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए टोटल कितना टाइम लगा था, तो टोटल टाइम लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है बच्चे, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करती है, एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाती है। ठीक है, 29 अगस्त 1947 में एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। इस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्हें प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बी आर अम्बेडकर का मेन रोल था क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये वाला बनता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन था? बी आर अम्बेडकर। और कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में टोटल टाइम कितना लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ये भी आपको याद रखना है। बच्चे मैं जो भी क्वेश्चन आपके जिस भी टॉपिक से बन रहा है मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ कि कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनता है, आपको वो याद रखना है। देन ये एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे इस एग्जाम में, दैट इज एनेक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट जो आइडिया दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो 1934 में दिया था एमन राय ने, और 1949 में जाके आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। अब देखिए इसमें फर्स्ट चीज़ है एडॉप्शन डेट, कॉन्स्टिट्यूशन को अडाप्ट कब किया गया, अडाप्ट किया गया था इसे 26 नवंबर 1949 में। कब? 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडाप्ट कर दिया था। ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अडाप्ट क्या चीज़ है, क्या पूछ बता रहा हूँ मैं, अडाप्ट कब किया गया, तो अडाप्ट किया गया था इसे 26 नवंबर 1949
49 में, बट ये एनफोर्स कब हुआ, लागू कब से हुआ, तो वो हुआ था 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950। ठीक है, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट 26 नवंबर 1949 में हुआ था तो फिर ये एनफोर्स 26 जनवरी 1950 में क्यों हुआ। ठीक है, हम 26 जनवरी मनाते हैं, ना, सेलिब्रेट हम क्या करते हैं, 26 जनवरी, 26 जनवरी हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस दिन के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इन्फोर्स हुआ था, उसके बाद वो लागू हो गया देश में कॉन्स्टिट्यूशन, बट उसको अडॉप्ट कर दिया गया था 26 नवंबर को। तो 26 जनवरी की डेट इसलिए चूज की गई थी क्योंकि 26 जनवरी को लाहौर सेशन में, लाहौर सेशन कांग्रेस का सेशन था लाहौर में 26 जनवरी 1930 में, 1930 में 26 जनवरी 1930 को लाहौर सेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। उस दिन उन्होंने कहा था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट अपनी सरकार, अपना हक, स्वराज अपना राज। ठीक है, अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाओ और अपना राज लागू करो, ये 26 जनवरी 1930 में लाहौर में इंडियन कांग्रेस ने ये नारा रखा था, इसलिए इसी डेट को हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो था इन्फोर्स्ड भी किया अपने देश में। ठीक है, ये समझ आया, दोनों कंफ्यूजन खत्म हो गया। अगर आपको अडाप्ट करने की डेट पूछी जाए देश में कॉन्स्टिट्यूशन कब अडाप्ट हुआ था, तो आप बिल्कुल बताएंगे 26 नवंबर 1949, बट अगर पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स कब किया गया, लागू कब किया देश में, तो वो किया गया था 26 जनवरी 1950 में। और 26 जनवरी की डेट क्यों चूज की गई, तो उसके पीछे रीजन था लाहौर सेशन में जो कांग्रेस का नारा था पूर्ण स्वराज का, इसीलिए इस डेट को हमने चुना कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करने के लिए। देन जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था उस टाइम पे इसमें 284 मेंबर्स ने साइन किया था। ठीक है, बच्चे, तो यहाँ तक जो था हमने कवर किया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा जो था इसमें वो था मेकिंग, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक टॉपिक हमने कवर किया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा हमने किया मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरा किया अडॉप्शन, एंड एनफोर्समेंट। ठीक है बच्चे, तीन टॉपिक हमने इंडियन पॉलिटी के कवर कर दिए हैं, इनमें से जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो मैंने साथ साथ में डिस्कस किया है, और इसी के साथ मैं एक टेस्ट भी रखूंगा इन्हीं तीन टॉपिक पे। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो होगा टेस्ट, यही जो तीन टॉपिक हमने कवर किए हैं इंडियन पॉलिटी के लिए। मैं फिर से कह दूं, ये लेक्चर जो है स्पेशली JKP कांस्टेबल के लिए है, या उसके लेवल के 10th लेवल के जो एग्ज़ाम है उनके लिए है, 10th लेवल से ग्रेजुएशन लेवल के लिए ये बिल्कुल इतनी सी इन्फॉर्मेशन सफिशेंट नहीं है, ये सिर्फ 10th लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए आपको इतना पढ़ना है जितना मैंने आपको अभी तक इसमें पढ़ाया है। बाकी बात रही मेरी हेल्प की, तो आप मेरी हेल्प सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं, वो है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें उनके साथ, ताकि वो बच्चे भी फ्री में जो मैं आपको ये हेल्प कर रहा हूँ नीडी स्टूडेंट्स के लिए, उनकी हेल्प हो पाए। और PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे जाके आप सर्च करेंगे SCIENTIFYY सेंटिफाई JKSSB, वहाँ पे आपको मेरे इसके लेक्चर की PDF मिल जाएगी। अगर आप वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो www.centify.co.in मेरी वेबसाइट है, और एंड्रॉयड पे एप्लीकेशन भी है, एंड्रॉयड पे
एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको यही नाम से सैंटिफाई नाम से सर्च करना है, CINTIFYI, इसी नाम से मेरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इतना ही, आप इसे तैयार करें और टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहें। मेरे टेलीग्राम पे हर दिन रात को टेस्ट रहता है, टेलीग्राम पे रात को 10 बजे हर दिन टेस्ट होता है, जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आके अपना रैंक चेक कर रहे हैं, कंपटीशन देख रहे हैं कि कंपटीशन में मेरा क्या रैंक स्टैंड कर रहा हूँ मैं। ठीक है।